हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई रजिस्ट्रेशन मित्र। आज हम JFT एंट्रेंस टेस्ट 18 जुलाई 2021 को जो संपन्न हुआ है, इसकी हम GK सेशन की आंसर की पहले अपलोड कर चुके हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। अब हम हिंदी सेक्शन डिस्कशन करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास हिंदी के, वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास सी, देवनागरी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ई कैसे स्वर हैं? तो इसका सही आंसर है दीर्घ बी। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? इसका सही आंसर है हमारे पास अशुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें अशुद्ध शब्द है आपका गुरु। निर्बल का विलोम रहेगा हमारे पास सबल ए। द्विगु समास का उदाहरण है ए। जातिवाचक संज्ञा छांटिए, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा पर्वत रहेगा ए रहेगा। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास बी, तीन प्रकार के। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास ए, सरल वाक्य। यमपुर पहुंचाना मुहावरे का अर्थ है, इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास डी, मार डालना। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें सही अलंकार रहेगा हमारे पास सुपरिटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास डी, अधीक्षक। यथा या आज्ञार्थक आज्ञार्थक वाक्य छांटिए, तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ शोर मत करो। शुद्ध वाक्य छांटो, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास हमने पुस्तकें नहीं लौटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर है हमारे पास डी, पतंग। पगड़ी का शब्द है, ये देशी शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ए, फारसी से। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर हमारे पास डी है, चार व्यंजन होते हैं। थ का उच्चारण स्थान है हमारे पास, थ का उच्चारण स्थान हमारे पास दंत है बी। द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए, पक्का। एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास शब्द। यदि प्लस अपि की शुद्ध संधि होगी यद्यपि, बी आंसर इसका सही रहेगा। जलज कैसा शब्द है? तो ये आपका योगरूढ़ है। आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर ए रहेगा, आनाकानी। दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले डैश कहलाते हैं, तो ये वाक्य कहलाते हैं, मेरे हिसाब से वाक्य होगा इसका सही आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब ई रजिस्ट्रेशन मित्रा।